संत कबीर नगर जिले के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में दो दिन पहले स्टेट ट्रांसपोर्ट गोदाम से पकड़े गए लाखों के अवैध पटाखों को एसडीएम शैलेश दुबे और सीओ सिटी अजीत चौहान ने गड्ढे के अंदर पानी में डालकर नष्ट करने की कार्रवाई की है। सभी पटाखों को नष्ट कराने के साथ ही प्रशासन अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि दो दिन पहले पुलिस ने लाखों रुपये के अवैध पटाखों के भंडारण के मामले में ट्रांसपोर्ट कारोबारी सहित 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में ट्रांसपोर्ट मालिक को गिरफ्तार किया है और गोदाम में अवैध रूप से रखे गए पटाखे ट्रांसपोर्ट के जरिए लखनऊ से मंगाए गए थे। ये दो दिन पहले जो इलीगल क्रैकर्स स्टोरेज से रिकवर किए गए थे, बरामद किए गए थे पुलिस और रजिस्ट्री की मदद से, उन्हीं का डिस्पोजल ये है। नष्टीकरण आदेश जो हुआ था उसी के तहत ये नष्ट कराए जा रहे हैं। जितना भी बरामदगी हुई थी सारी जो है वो नष्ट करा दी गई है। सरकारी जमीन है, गढ़ी का एक नंबर था, उसी पे नष्ट कराया जा रहा है।